ग्रामीण दूर दराज तक के लोगों को नशा मुक्त भारत अभियान और कोरोना महामारी के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास तेज हो गए हैं। इसी कड़ी में रामपुर उपमंडल के दूर दराज क्षेत्र शाहदार में एक शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों ने लोगों को, खासकर ग्रामीण महिलाओं को बढ़ते नशे के प्रचलन से युवाओं को दूर रखने इसके बारे विस्तार से बताया। विभिन्न प्रकार के नशों का आयोजन आजकल युवा वर्ग कर रहे हैं। ऐसे नशों का सेवन करने वाले युवाओं में एवं लोगों में किस तरह के लक्षण पाए जाते हैं, कैसे नशा करने वालों को सही रास्ते में लाने के लिए व्यवहार किया जाए, तमाम जानकारियां अधिकारियों ने उपलब्ध करवाई। इसके अलावा वर्तमान समय में बढ़ते कोरोना के प्रभाव को रोकने व ग्रामीण दूरदराज लोगों को इस महामारी से बचाने के लिए किस तरह के एहतियाती कदम ग्रामीण स्तर पर उठाए विस्तार से बताया। लोगों को मास्क का सही उपयोग, सामाजिक दूरी, हाथों को बार बार धोने आदि के बारे में विस्तार से बताया और ये भी बताया गया कि सामाजिक समारोह का कम से कम लोगों की उपस्थिति में आयोजन किया जाए, कोरोना होने की स्थिति में कैसे मरीज से व्यवहार किया जाए और किस तरह दवाई दी जाए, सारी जानकारियां उपलब्ध करवाई गई। तहसील कल्याण अधिकारी शशि ठाकुर ने बताया कि जागरूकता शिविर रामपुर उपमंडल के दूरदराज शाहधार पंचायत में रखा गया, जिसमें कोविड-19 बीमारी से कैसे बचाव बारे जानकारी दी गई। इसके अलावा नशा मुक्त भारत अभियान को लेकर के लोगों को जागरूक किया गया। उन्होंने बताया कि हमारा प्रयास है कि खासकर दूरदराज की पंचायतों में ऐसे अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करें, ताकि आम लोग इन चीजों के बारे में सजग हो सके। कल्याण अधिकारी रामपुर, आज हमने नशा मुक्त भारत अभियान और कोविड-19 के तहत ये जागरूकता शिविर यहाँ पे ग्राम पंचायत शाहदार में रखा था। इससे पहले भी हमने 7-8 पंचायतों में ये जागरूकता शिविर कर दिए। तो इसमें हम नशा मुक्त भारत अभियान के तहत हम सभी पंचायतों में जानकारी दे रहे हैं, जिसके तहत हमारा ये है, जो हमारा यूथ है वो नशे की गर्त में न जाए, इसको निकालने के लिए हम सभी वहाँ की जो पंचायतों में पब्लिक है उनको जागरूक कर रहे हैं। और शाहदार पंचायत प्रधान सुमन विष्ट ने बताया कि जो शिविर लगा है उसमें नशा मुक्त भारत अभियान और कोरोना वायरस से बचाव बारे में जानकारी उपलब्ध करवाना है। इसमें विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों ने तमाम जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि दूर दराज के ग्रामीणों को सजग किया जा रहा है, क्योंकि आजकल युवा पीढ़ी नशे की ओर अग्रसर हो रही है। उन्हें कैसे रोका जाए और कोविड-19 से दूर दराज रहने वाले ग्रामीण लोगों को भी कैसे बचाया जा सके, ये सभी जानकारियां उपलब्ध करवाई गई। ये सरकार की तरफ जो है अवेयरनेस कैंप जो चलाया जा रहा है, दूर दराज के लोगों को जागरूक करना है नशा मुक्त और कोविड-19 पर। तो आजकल विशेष तौर पर जो है हमारे युवा पीढ़ी जो है नशे की ओर बढ़ती जा रही है, तो उनको जागरूक करवाने के लिए ये जो है कैंप का आयोजन किया गया था। और साथ में जो है कोविड-19 पर, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं, कोविड-19 जो है आजकल बहुत अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है, तो इससे अवेयर रहने के लिए जो जो